हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए एक नई प्रोसेसिंग टेक्निक लेकर आया हूं, रोटेशनल मोल्डिंग। रोटेशनल मोल्डिंग में हमारे किस तरह के आर्टिकल बनते हैं, जो हॉलो आर्टिकल हैं या जो बहुत बड़े आर्टिकल होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाटर टैंक वगैरह जो हैं, या बड़े बड़े डस्टबिन जो होते हैं हमारे, ये सब हमारे रोटेशनल मोल्डिंग से बनते हैं। और जैसा कि हम इस नाम से ही जानते हैं कि रोटेशनल, इसमें यहाँ लिखा हुआ रोटेशनल मोल्डिंग, तो रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस हमारा जो है वो एक ऐसी मोल्डिंग है जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, रोटेशन, यानी कि मोल्ड को हम क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस में हॉलो आर्टिकल फॉर्म किए जाते हैं, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, जिसमें आर्टिकल या प्रोडक्ट को मोल्ड के अंदर रॉ मटेरियल या पाउडर, रॉ मटेरियल या जो हमारा पाउडर फॉर्म में हमारा रॉ मटेरियल रहेगा उसको हम फिल करते हैं मोल्ड को, उसके बाद हीट किया जाता है, रोटेशनल मोल्ड को हीट किया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मोल्ड है हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा मोल्ड है, इसमें हमने पाउडर फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, और इसको हम क्या करेंगे फिर रोटेशन, जब इसको हीट करेंगे, बाहर से हम इसको हीट करते हैं मोल्ड को, मटेरियल हमारा क्या होता है, मेल्ट अवस्था में आ जाता है, मेल्ट हो जाता है या मोल्टेन हो जाता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, बाई एक्सेली इसको हम रोटेट करते हैं। बाई एक्सेली यानी कि एक तो हम उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेशन मिलेंगे, जैसे ये है तो हमारा मोल्ड इस तरह से भी घूमेगा, रोटेट होगा, और इस तरह से भी रोटेट होगा कंटिन्यूसली, या हम इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे ये पैन है तो हमारा मोल्ड ये है, इसको हम क्या करेंगे ऐसे भी रोटेशन करेंगे और साथ में इस तरह भी, ठीक है, ये हमारा होता है बाई एक्सेली रोटेशन। रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस जो हमारा बहुत इजी होता है, या हम कह सकते हैं बहुत सिंपल होता है, और इस प्रोसेस में मोल्ड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं, जैसे हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग है या कंप्रेशन मोल्डिंग है, उसमें हमारा ज़्यादा कॉस्टली होता है, ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव होते हैं, ये जो है बहुत हमारा इनएक्सपेंसिव होता है। इस मोल्डिंग में स्मॉल या कम प्रेशर के द्वारा ही हम प्रोडक्ट को या फाइनल आर्टिकल को फॉर्म कर सकते हैं। रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट मेकिंग सिर्फ हमारी फीमेल पार्ट में होती है, या हम कह सकते हैं इसकी कैविटी में ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है, इसमें कोर का कोई यूज नहीं होता है। अगर हम रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस के प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल भी जो रोटेशनल मोल्डिंग का वो इसी परिवर्तन करता है जैसा हमने बताया था, यानी कि कोई भी हमारा जैसे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे इसको मोल्ड में फिल करेंगे, मोल्ड में फिल करने के बाद जो मोल्ड है हमारा उसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद बाई एक्सेली उसको रोटेट करेंगे, और रोटेट करने के साथ में ही हम उसको क्या करना शुरू कर देंगे फिर कूलिंग, जिससे कि जो उसकी लेयर है मोल्डन प्लास्टिक की वो मोल्ड के अंदर के सरफेस पर क्या हो जाए, एक लेयर बन जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसकी कूलिंग करते हैं, कूलिंग के बाद मोल्ड से हम प्रोडक्ट को इजेक्ट कर लेते हैं, ये इसका प्रिंसिपल होता है। और जो हमें जैसी शेप चाहिए होती है प्रोडक्ट की, वैसा ही हम इसमें मोल्ड यूज करते हैं, और उसी तरीके का हमें सॉलिड होने के बाद मोल्ड, सॉरी प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाता है। रोटेशनल मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा लार्ज या बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट या आर्टिकल फॉर्म किए जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। अगर इसकी तुलना में हम बात करें इंजेक्शन मोल्डिंग की या
कंप्रेशन मोल्डिंग या हम उसकी बात करें ब्लो मोल्डिंग की, तो उसमें अगर हम हॉलो शेप आर्टिकल अगर हम बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा हमारे क्या होंगे, कॉस्टली पड़ेंगे। कॉस्टली इसलिए पड़ेंगे क्योंकि उसमें हम जो प्रेशर यूज करेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर, वो हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा बड़े आर्टिकल बनाने के लिए, और उसके बाद उसमें हमें एयर जो है वो भी ज्यादा प्रेस करनी पड़ेगी उसको ब्लो करने के लिए। इसलिए जो है वो हमारे प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और रोटेशनल मोल्डिंग में ऐसा नहीं होता है जैसे मैं पहले बता चुका हूं। इसलिए रोटेशनल मोल्डिंग हॉलो आर्टिकल के लिए, बड़े आर्टिकल के लिए हमारा ज्यादातर यूज होता है। जैसे वाटर टैंक मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वाटर टैंक हो गया हमारा, या हॉलो ड्रम्स, या फिर हमारे कंटेनर डस्टबिन, जो बड़े बड़े इस तरह के आर्टिकल होते हैं वो सब हमारे रोटेशनल मोल्डिंग द्वारा ही फॉर्म किए जाते हैं।